बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे लिंग पर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा लिंग, और कई बार इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एचएससी ने तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे पुट किया लिंग पे। तो बच्चों, लिंग जो है, लिंग का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। तो लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द दी गई वस्तु के नर या मादा होने का बोध कराए, जो शब्द दी गई वस्तु के या दी गई संख्या के नर या मादा होने का बोध कराए वो लिंग कहलाता है। तो हिंदी में लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होते हैं पुलिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुलिंग और स्त्रीलिंग, तो दो तरह के लिंग हम पढ़ते हैं हिंदी में, पुलिंग और स्त्रीलिंग। मतलब लिंग के भेद कितने होते हैं? दो, पुलिंग और स्त्रीलिंग। तो पुलिंग वो होता है जो नर होने का बोध कराता है, जो शब्द दी गई वस्तु के नर होने का बोध कराए वो पुलिंग कहलाता है। जैसे बच्चों, छात्र, जैसे अध्यापक, जैसे गुरु, जैसे देवर, जैसे कुत्ता, जैसे आपका शेर, बलवान, नेता, तेली, ये सारे के सारे शब्द क्या है? पुलिंग है। और स्त्रीलिंग वो होते हैं जो दी गई वस्तु के, जो शब्द दी गई वस्तु के मादा होने का बोध कराए, दी गई वस्तु के मादा होने का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे बच्चों, छात्रा, जैसे अध्यापिका, छात्रा, अध्यापिका, जैसे गुरुआइन, जैसे देवरानी, जैसे कुतिया, जैसे बच्चों शेरनी, जैसे बलवती, जैसे नेत्री, जैसे तेलिन। तो बच्चों, ये है स्त्रीलिंग और ये है पुलिंग। पुलिंग जो शब्द दी गई वस्तु के नर होने का बोध कराता पुलिंग कहलाता है, और जो शब्द दी गई वस्तु के मादा होने का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। तो पुलिंग से जब स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो कई तरह से बनते हैं बच्चों, कई प्रत्यय लगा के। पहला आ प्रत्यय लगाकर, आ प्रत्यय, जैसे बच्चों छात्र छात्रा, इसमें आ प्रत्यय लगाया हमने, छात्र छात्रा, या जैसे शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या, महोदय महोदया, प्राचार्य प्राचार्या, सुता बेटी, आतंज बेटा, तने बेटा, तन्या। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम, आ प्रत्यय लगा के पुलिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। इसके अलावा ई प्रत्यय लगाकर, ई, जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी। तो इनमें हमने किसका प्रयोग किया? ई प्रत्यय का। इसके अलावा बच्चों इका प्रत्यय, इका कौन सा प्रत्यय? इका प्रत्यय से बनाते पुलिंग से स्त्रीलिंग। अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, लेखक लेखिका, इनमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ? इका प्रत्यय लगा के। इसके अलावा आइन प्रत्यय, आइन, गुरु का स्त्रीलिंग गुरुआइन, जैसे ठाकुर ठकुराइन,
तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया हमने, लाला ललाइन, लाला ललाइन। इसके अलावा बच्चों इया प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, इया, जैसे कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, तो इनमें मैंने कौन सा प्रत्यय लगा, इया, कुत्ता कुतिया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, इया प्रत्यय। आनी प्रत्यय, आनी, देवर देवरानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, तो इनमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ, आनी प्रत्यय। इसके अलावा बच्चों नी प्रत्यय, नी नी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, बच्चों जाट जाटनी, तो कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया, नी प्रत्यय, नी। इसके अलावा इन प्रत्यय, इन, जैसे बच्चों टेली टेलिन, हमारा शब्द टेली, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, टेलिन, टेलिन में छोटी हो जाएगी बच्चों, क्यों, हमने इन प्रत्यय लगाया है, टेली टेलिन। जैसे धोबी धोबिन, तो इनमें कौन सा प्रत्यय है, चमार चमारिन, कुम्हार कुम्हारिन, ये कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय। इसके अलावा हम जो प्रत्यय लगाते हैं वान को वती में बदलते हैं, वान किस में बदलता है, वती में, वान वती में, बलवान बलवती, धनवान धनवती, गुणवान गुणवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, रूपवान रूपवती। लेकिन यहां विशेष रूप से ध्यान देना बच्चों, विद्वान विद्वती नहीं होता, विदुषी, विद्वान, इसमें बच्चों बहुत ज्यादा हमारी गलती होती है, विद्वान विदुषी, ठीक है। तो वान को किसे बदलते हैं, वती में, वान वती में, धनवान धनवती, बलवान बलवती, ज्ञानवान ज्ञानवती, रूपवान रूपवती, लेकिन विद्वान विद्वती नहीं, विदुषी। इसी प्रकार बच्चों ता को त्री में बदल के, ता को किसे बदलते हैं, त्री में, ता को त्री में बदलते हैं बच्चों, जैसे नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, विधाता विधात्री, तो ता को त्री में बदलकर। तो इस प्रकार बच्चों पुल्लिंग से क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो ये जो प्रत्यय हैं ये सारे स्त्रीवाचक प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, जो स्त्रीलिंग बनाए वो प्रत्यय स्त्रीवाचक प्रत्यय कहलाता है, चाहे वो आपका आ प्रत्यय हो, ई प्रत्यय हो, इया हो, इका हो, आनी नी इन वान वती, ये सारे के सारे जो हैं कौन से प्रत्यय कहलाएंगे, ये सारे के सारे आपके स्त्रीवाचक प्रत्यय कहलाएंगे। अब इसके बाद कई शब्द जो होते हैं उनके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो है थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता, भाई भाभी, भावज भाभी, भाई का कई जगह बहन भी मिलता है स्त्रीलिंग। जैसे बच्चों इसमें एक चीज आता राजा, इसका रानी, लेकिन एक शब्द और आता राजन, तो यहां ध्यान देना राजन का रागी, राजन का क्या होता है, राजा का रानी, लेकिन राजन रागी, सम्राट सम्रागी, सम्राट सम्रागी, बादशाह बेगम, बादशाह का बेगम, ठीक है, वीर वीरांगना, वीर वीरांगना, हतभागी, हतभाग्या, हतभागी, हतभाग्या। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हमारा छूट गया बच गया, वो कौन सा, कवि, कवि, कवि का बच्चों कवयित्री, कवि का कवयित्री, और ये कवयित्री शब्द शुद्धि अशुद्धि में भी कई बार पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में कई बार पूछा जाता है कवयित्री शब्द, क्योंकि हम आमतौर पर क्या करते हैं, कवि शब्द है
तो कवि लिखा और इसके साथ यत्री लिख दिया, तो ये अशुद्ध है बच्चों। कवि लिखा और यत्री लिख दिया, अशुद्ध है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कव यत्री, क्या बनता है कव यत्री। तो इनका विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि राजा रानी हम जानते हैं, लेकिन राजन राजी होता है, सम्राट सम्राज्ञी होता है, वीर का वीरांगना होता है, हतभागी हतभागिन, कवि कवयित्री। तो ये हमने कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पढ़े। अब इसके बाद एक शब्द आता है बच्चों नित्य पुल्लिंग, एक शब्द आता है नित्य पुल्लिंग। तो नित्य पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, उन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ शब्द है बच्चों, खरगोश, खरगोश शब्द है, खटमल, खटमल है, गैंडा, कौआ, तोता। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो सदैव किसमें प्रयोग होते हैं? पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नित्य पुल्लिंग कहते हैं। अगर इनका स्त्रीलिंग वर्णा पड़ जाए, इनका स्त्रीलिंग वर्णा पड़ जाए तो इनके आगे मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, खरगोश इसका स्त्रीलिंग मादा खरगोश, खटमल मादा खटमल। इसी प्रकार बच्चों मच्छर नित्य पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग बना पड़ जाए तो क्या लिखते हैं? मादा मच्छर। पढ़ते ना बहुत बार मादा एना प्लीज मच्छर, तो मच्छर का मच्छर ही रहता है क्योंकि हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इसलिए क्या नित्य पुल्लिंग है। गैंडा मादा गैंडा, कौवा मादा कौवा, कौवा का कोयल नहीं होता बच्चों, वो हम इस पर डिस्कस करेंगे स्त्रीलिंग में, कौवा मादा कौवा, तोता मादा तोता। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो सदैव किसमें प्रयोग होते हैं? पुल्लिंग में। तो जो शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं उन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं, और उनका स्त्रीलिंग हमें बढ़ा पड़ जाए तो उनसे पहले मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बच्चों एक शब्द नित्य स्त्रीलिंग, क्या शब्द है? नित्य स्त्रीलिंग। कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे बच्चों देखो मक्खी, जैसे मछली, जैसे छिपकली, जैसे तितली, जैसे कोयल, मैना, जैसे बच्चों गिलहरी। ये इस तरह के जो शब्द हैं ये सदैव किसमें प्रयोग होते हैं? स्त्रीलिंग में। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। अगर इनका पुल्लिंग वर्णा पड़ जाए तो उनसे पहले नर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? नर शब्द का। मक्खी नर मक्खी, मछली का पुल्लिंग नर मछली, बच्चों छिपकली नर छिपकली, तितली नर तितली, कोयल नर कोयल, कौआ इसका स्त्रीलिंग मादा कौआ, और कोयल इसका स्त्रीलिंग बच्चों नर कोयल, सॉरी कोयल स्वयं स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग नर कोयल, मैना नर मैना। कई बच्चे सोचते हैं तोता और मैना, नहीं तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। तो तोता जो है वो नित्य क्या है? पुल्लिंग, तो मादा तोता, और मैना जो नित्य स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो नर मैना, गिलहरी नर गिलहरी। हमेशा बच्चों आप देखो इस वाक्य प्रयोग करते हो मक्खी को, तो हम ये कहते ना मक्खी उड़ रही है, ठीक है स्त्रीलिंग है मक्खी उड़ रही है, और अगर नर शब्द लगा दे इसको पुल्लिंग बनाए नर मक्खी उड़ रही है, वहां भी ये नहीं कहते नर मक्खी उड़ रहा है, क्योंकि ये शब्द ऐसा है जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नित्य स्त्रीलिंग। तो जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं उनको नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं उनको नित्य पुल्लिंग कहते हैं, और अगर नित्य स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना पड़ जाए तो नर शब्द उनसे पहले लगाते हैं, और नित्य पुल्लिंग का अगर स्त्रीलिंग बनाना पड़ जाए तो उससे पहले मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों
कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं, एक शब्द आता हमारा उभयलिंगी, क्या था उभयलिंगी, उभय होता बच्चों दोनों, उभय का अर्थ है दोनों, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी। कुछ हिंदी में हमारे ऐसे शब्द हैं जो दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, तो उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जैसे बच्चों शब्द है प्रधानमंत्री, बच्चों जैसे हम राष्ट्रपति, जैसे हम कहते हैं आज हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, आज हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, ठीक है, इनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे और उनसे पहले हमारी राष्ट्रपत्नी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, नहीं, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन उससे पहले हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया, राष्ट्रपति शब्द का, और रामनाथ कोविंद वो क्या है, पुल्लिंग, उनसे पहले हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी, तो इसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी। जैसे प्रधानमंत्री, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, उस जो 80 के दशक में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो वहां भी हमने प्रधानमंत्री शब्द यूज किया, उनसे पहले प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है, तो ये शब्द क्या है, नित्य, सॉरी, ये है उभयलिंगी, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, सलाहकार है, गवर्नर है, राजदूत है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, ये ऐसे शब्द हैं बच्चों जो दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी हमें, जो अप्राणीवाचक होते हैं हमारे, अप्राणीवाचक शब्द यानी कि निर्जीव, अप्राणीवाचक शब्द, उनमें अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं, अप्राणीवाचक शब्दों के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करते हैं, तो कैसे की जाती है, तो या तो उनका वाक्य प्रयोग करके क्रिया से पता चलता है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, या उनसे पहले विशेषण लगाया जाता है, वाक्य में उनको प्रयोग करें, उनसे पहले विशेषण लगाएं, तो उससे हमें पता चलेगा अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव के लिए, ठीक है, या क्रिया के प्रयोग से उनका पता चलता है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, जैसे मकान है, यह अप्राणीवाचक निर्जीव है, और दुकान है बच्चों दुकान। अब अगर मैं ये कहूं बड़ी मकान, तो यह अशुद्ध है, बड़ी मकान, और मैं कहूं छोटा दुकान, तो यह क्या है, अशुद्ध है। इसकी बजाय अगर मैं कहूं बड़ा मकान और छोटी दुकान, तो यह क्या है, शुद्ध। तो मकान जो है प्राणीवाचक, उससे पहले बड़ा जो शब्द है, बड़ा, बड़ा पुल्लिंग है, कौन सा विशेषण, पुल्लिंग का प्रयोग हुआ, इसका मतलब मकान क्या है, पुल्लिंग है। और जो दुकान शब्द है, उससे पहले हमने विशेषण प्रयोग किया, तो छोटी शब्द का प्रयोग हुआ, छोटी, छोटी यानी कि स्त्रीलिंग, तो दुकान क्या हुआ, स्त्रीलिंग। जैसे मैं ये कहूं बच्चों, मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, तो इसमें बच्चों देखो, मेरा हाथ टूट गया, इसके लिए क्रिया जो है वो पुल्लिंग में है, क्रिया किस में है, पुल्लिंग में है, मतलब हाथ क्या है, पुल्लिंग है। उसकी टांग टूट गई, तो टांग जो है इसके लिए क्रिया कैसी प्रयोग हुई, स्त्रीलिंग, तो इसका मतलब टांग क्या है, स्त्रीलिंग है। तो बच्चों ये हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमने पढ़े इस आधार पे। अब जो हमारी कुछ निर्जीव चीजें हैं जिनसे रिलेटेड कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, भाई ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और कौन से स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बच्चों सबसे पहले जो वृक्षों के नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम किसके अंदर कटराइज किए गए हैं, किसके अंतर्गत, पुल्लिंग के अंदर, वृक्षों के नाम, चाहे वो आपका आम हो, आम, चाहे आपका कीकर हो, शीशम हो, ठीक है, पीपल हो,
ये कौन से वृक्ष, वृक्षों के नाम सारे किसके अंतर्गत लिखे गए हैं, पुलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बच्चों इसका अपवाद है इमली, स्त्रीलिंग है, नीम स्त्रीलिंग है, ये क्या हमारे स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार बच्चों नदियों के जो नाम है, नदियों के नाम वो किसके अंतर्गत लिखे गए हैं, किसके अंतर्गत माने जाते हैं स्त्रीलिंग के। जितनी हमारी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, वो सारे किसके अंतर्गत कैटराइज किए गए हैं, वो सारे के सारे जो है क्या माने गए स्त्रीलिंग। लेकिन बच्चों इसमें अपवाद है, इसमें अपवाद है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, ये जो तीनों हैं ये पुलिंग माने गए हैं। ये क्या माने गए हैं, पुलिंग, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी नदी न मान के नद माना गया है। हमारे शास्त्रों में वैसे तो हमने पढ़ा कि हमारी जो नदियां हैं, नदियों को क्या माना जाता है, स्त्रीलिंग माना जाता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, इनको क्या माना गया, पुलिंग, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नदी न मान के नद माना गया। क्या माना गया है, नद माना गया है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सारे पुलिंग माने गए हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे किसके अंतर्गत कैटराइज किए गए हैं, किसके अंतर्गत, पुलिंग के अंतर्गत। लेकिन बच्चों इसका अपवाद है पृथ्वी, अपवाद है क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी को क्या माना गया है, स्त्रीलिंग। पृथ्वी को क्या माना गया बच्चों, स्त्रीलिंग। इसके अलावा बच्चों हमारे वार, महीने, दिन, इनके जो नाम है वो किस में माने गए, पुलिंग में। जैसे हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, सभी वार, हमारे महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे के सारे जो है किस में माने गए हैं, पुलिंग में। लेकिन अपवाद जो हमारी तिथियां हैं, तिथियां वो स्त्रीलिंग मानी गई बच्चों। तिथियां कैसे, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, पूर्णिमा, ये हमारी तिथियां हैं। तो तिथियां क्या मानी गई हैं, स्त्रीलिंग मानी गई हैं। तिथियों को किसके अंतर्गत कैटराइज किया गया, स्त्रीलिंग के, ठीक है। इसके बाद बच्चों जैसे हमारी भाषाएं हैं और लिपियां, भाषाएं और लिपियां ये क्या मानी गई हैं, स्त्रीलिंग मानी गई। जैसे हिंदी है भाषा है, देवनागरी है लिपि है, तो ये किसके अंतर्गत कैटराइज की गई है, ये सारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत कैटराइज की गई है। इसके अलावा बच्चों हम मोस्टली कहते हैं जो इकारांत जो शब्द है, इकारांत, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत, इकारांत का अर्थ जिसके अंत में ई आए, इकारांत शब्द अंत में क्या है, दीर्घ ई, बड़ी ई आ जाए, तो इकारांत शब्द मोस्टली क्या माने गए हैं, स्त्रीलिंग माने गए इकारांत। जैसे बच्चों लिखते हैं नदी, तो ये इकारांत है, अंत में बड़ी है। जैसे नारी, लड़की, स्त्री, तो इकारांत शब्द मोस्टली, ज्यादातर इकारांत शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, दही पुलिंग है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया दही पुलिंग है, हालांकि इकारांत है, अंत में ही आया। इसमें वाक्य शुद्धि में भी आता बच्चों, अगर हम कहें दही खट्टी है, दही खट्टी है, तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है बच्चों। इसकी बजाय क्या आएगा, दही खट्टा है, दही खट्टा है। इसके अलावा जैसे बच्चों हम कहते हैं हाथी, इकारांत है लेकिन पुलिंग है बच्चों। पानी, इकारांत है लेकिन पुलिंग है, जी पुलिंग है, ठीक है। वैसे मोस्टली ज्यादातर अधिकतर जो हमारे इकारांत शब्द है वो क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं, सॉरी इकारांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन दही पुलिंग माना गया, हाथी आप जानते हो पुलिंग होता है, पानी पुलिंग है, जी पुलिंग है।
बच्चों हमारे जो रत्न आभूषण है वो पुलिंग माने गए हैं, रत्नादों रत्नों के नाम आभूषणों के नाम वो क्या माने गए हैं, पुलिंग। जैसे मूंगा है, पुखराज है, मूंगा है, पुखराज है, इस तरह जो है ये क्या माने गए, पुलिंग। लेकिन बच्चों यहां भी ध्यान देना, नीलम स्त्रीलिंग है, मणि स्त्रीलिंग है, और जो सीपी है वो भी स्त्रीलिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग माने गए हैं। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में, लिंग के बारे में, ठीक है।